हेलो गाइस गाइस, क्या आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है? ट्रेडिंग में आप दूसरे लोगों का स्ट्रेटजी कॉपी करते हो, तो आज से आप कॉपी करना बंद कर दो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना खुद का आप स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो, कैसे डेवलप कर सकते हो खुद का स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में, और साथ में ही बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग के करियर में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेटजी में इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और अगर आप खुद का स्ट्रेटजी अगर आप डेवलप करना सीख लेते हो और डेवलप कर लेते हो तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल जाने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। रेदर देन अगर आप किसी दूसरे का स्ट्रेटजी अपनाते हो, वो उसके लिए काम करेगा, वो आपका स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर इतना बात कर रहा हूं स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी का हिंदी मतलब होता है रणनीति, ठीक है, रणनीति। गाइस मैं इसे थोड़ा सा डीपली मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब 10th के एग्जाम तो पास आउट किए हो। जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, जब एक दो दिन एग्जाम का बाकी रहता है, तब आप ये प्लानिंग करते हो कि मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है। पहले मुझे 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना है कि पहले मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। अगर 10 नंबर वाला अगर क्वेश्चन है तो उसे मुझे कितने देर में कंप्लीट करना है, ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन होता है, तो उसके अनुसार से अपना टाइम डिवाइड करते हो और फिर आप प्लानिंग करते हो अच्छे तरीके से। इसी को स्ट्रेटजी कहते हैं। आपने रणनीति बनाया कि मुझे 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है मुझे 10 मिनट के अंदर खत्म करना है या 8 मिनट में मुझे खत्म करना है। एक नंबर के क्वेश्चंस को मुझे ज्यादा नहीं 30 सेकंड देना है या फिर 1 मिनट देना है। इस तरह से आपने अपना स्ट्रेटजी बनाया, इसी को स्ट्रेटजी कहते हैं। और ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप ट्रेड कैसे लोगे, किन किन चीजों को देख करके आप ट्रेड लोगे, उसे ही स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या हो गया, किन किन चीजों को देख करके। जैसे कि देखो आपने सोच लिया है, ठीक है, कि मैं ट्रेड बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही लूंगा। पहला मैंने अपना नीति बना लिया, ठीक है, उसे आप कॉपी में लिख लो, पहला पॉइंट। दूसरा मे बी आप एक दो इंडिकेटर देखोगे, एक या दो इंडिकेटर देखोगे, ठीक है, मे बी RSI देखोगे, MACD देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, जो मन में आएगा एक दो देखोगे। तो आपने सोच लिया कि मुझे ये इंडिकेटर देख करके ही ट्रेड लेना, इंडिकेटर को रख दो। फिर आपने सोच के रखा है मुझे कैंडल स्टिक, फिर वहां पर अच्छा बेयरिश या बुलिश कैंडलस्टिक्स बनना चाहिए, रिवर्सल, ठीक है, तब मैं एंट्री लूंगा। तीसरा आपने पॉइंट कॉपी में लिख, ठीक है, कैसे आप ट्रेड लोगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जब ये 3-4 पॉइंट जब आप लिख दोगे, ठीक है, आपने ऐसा सोच के रखा है जब इस तरह का चीज मुझे दिखेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, जब आप ये चीज सोच लिए ना, इसी को स्ट्रेटजी कहते हैं। उम्मीद करता हूं स्ट्रेटजी यहां पर सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पर क्या होता है कि लोगों को पता नहीं है कि इसे ही स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है। आपने जो सोच के रखा है ना मुझे एंट्री कैसे लेना है, मुझे बहुत सारे होते हैं ना बंदे जो सोचते हैं कि 1 आवर का कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, 1 आवर का कैंडल क्लोज होगा तब मैं ट्रेड, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे 1 आवर का या 15 मिनट का जो भी आपने सोचा, बस आपको करना क्या, आपको कॉपी में लिख लेना है जो भी आप सोचते हो कैसे आपको ट्रेड लेना है, कोई पैटर्न को आप कैसे ट्रेड करोगे, डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करोगे, हेड एंड शोल्डर को कैसे ट्रेड करोगे, सब कुछ क्या क्या चीज आप देखोगे, सबको बस एक कॉपी में लिख दो, उसे ही स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी कुछ नई चीज नहीं है, जो भी रणनीति आप बनाते हो, जो भी और प्लानिंग आप करते हो, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है द वे ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने के तरीका को ही, ठीक है, स्ट्रेटजी कहते हैं। पर स्ट्रेटजी में क्या होता है, चीजें पहले से ही डिफाइन होती है, आपके दिमाग में ये चीज पहले ही चल जाता है कि हाँ ये चीज दिखेगा तब मैं ट्रेड, ठीक है। पर यहां पर क्या होता है ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो न्यू ट्रेडर्स के साथ में है वो ये है कि वो लिखते नहीं है कॉपी में, ठीक है, और ट्रेड लेते वक्त में कुछ ना कुछ वो गलती कर देते हैं, स्ट्रेटजी पे अपना पूरा खरा नहीं उतर पाते, ठीक है, स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते अपने स्ट्रेटजी पे, फिर वो मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो लिखते नहीं है। अगर आप लिख लोगे तो मान लो मैंने जैसे कि आप सोचो, ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि मैंने सोच के रखा है कि जब हेड एंड शोल्डर में ट्रेड तभी लूंगा जब ये नेकलाइन टूटेगा, नेकलाइन टूट करके और 1 आवर का कैंडल क्लोज होगा तब मैं लूंगा ट्रेड। मैंने ये दो चीज सोच ली और साथ में ही मैं क्या, मैं देखूंगा RSI, ठीक है, कि RSI में अगर कुछ क्या कहते हैं डाइवर्जेंस मुझे दिखेगा तब मैं एंट्री लूंगा, ठीक है, और वॉल्यूम कुछ अगर मुझे स्पाइक मिलेगा या वॉल्यूम मुझे इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में मिलेगा तब मैं एंट्री लूंगा। मैंने ये चीज सोच के रखा है, मैंने कॉपी में लिख लिया।
यहां पर मैं वेट करूंगा, जैसे ही मान लो कि नेक लाइन टूटता है, ठीक है, ये लाइन टूटता है, ठीक है, तो जब यहां पर कैंडल क्लोज हो जाती है 1 आवर का, ठीक है, मैंने देख लिया, हाँ 1 आवर का क्लोज हो गया, हाँ बियरिश कैंडल है, ठीक है, मैं वॉल्यूम देखूंगा, मेरे अनुसार से वॉल्यूम सही है, हाँ ठीक है, RSI में डाइवर्जेंस है, हाँ, तब मैं एंट्री लेता हूँ। इसे ही स्ट्रेटजी कहते हैं। और स्ट्रेटजी किसी भी इंसान का एक नहीं होता है, हमेशा याद रखना, हर एक पैटर्न को ट्रेड करने का स्ट्रेटजी अलग होता है। हाँ, बहुत सारा सिमिलैरिटी रहेगा, जैसे कि मुझे बेरिश कैंडलस्टिक्स मिलना चाहिए, चाहे वो हेड एंड शोल्डर में होना चाहिए, चाहे नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस में होना चाहिए, चाहे वो डबल टॉप डबल बॉटम में होना चाहिए, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम में होना चाहिए, या वेज फ्लैग में होना चाहिए, ठीक है, या बुल फ्लैग या बेरिश फ्लैग में होना चाहिए, जो भी आपकी पैटर्न ट्रेडिंग का रूल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सिमिलैरिटी रहेगा, ठीक है, आप जैसे कि आपने सोच के रखा है सब में मुझे RSI को देखना है, सब में मुझे वॉल्यूम को देखना है, पर कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हो सकते हैं, इसीलिए आपका हर एक पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका और नॉर्मल मार्केट को ट्रेड करने का जो स्ट्रेटजी होगा उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, ठीक है, इसीलिए किसी भी एक इंसान का स्ट्रेटजी एक जैसा नहीं हो सकता है। मान लो मेरा खुद 4-5 स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैं हेड एंड शोल्डर को दूसरे तरीके से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैं हेड एंड शोल्डर को ट्राई करता हूँ कुछ यहाँ पे ट्रेड करने का, ठीक है, यहीं से पकड़ने का, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर रिटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग नेकलाइन के टूटने पे ट्रेड लेते हैं, तो सबका स्ट्रेटजी अलग है। मेरा हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का इस तरह से तरीका है, ठीक है, मेरा डबल टॉप या डबल बॉटम को ट्रेड करने का तरीका क्या है कि यहां पर जब तक कि मुझे फेक आउट ना मिल जाए, ठीक है, यहां पर मुझे जब तक कि फेक आउट ना मिल जाए और साथ में ही वॉल्यूम का कोई स्पाइक ना बन जाए, ठीक है, स्पाइक ना दे दे, तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, ठीक है, तो देखो दोनों में अंतर है ना, यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर मैं नॉर्मल मैं रिवर्सल पैटर्न यहां पर ढूंढूंगा, ठीक है, बस मुझे रिवर्सल पैटर्न मिल जाए, ठीक है, मैं यहां से ट्रेड ले लेता हूं, और भी ट्रेंड का मोमेंटम कैसा है, ये सब चीजें होती हैं, वो सब मैं हेड एंड शोल्डर में देखता हूं, ठीक है, पर डबल बॉटम में मैं बस मेरा स्ट्रेटजी ये है, डबल बॉटम का स्ट्रेटजी मेरा अलग है, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रेटजी मेरा अलग है, तो जितने भी पैटर्न्स हैं या फिर नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड है उसका पैटर्न स्ट्रेटजी मेरा अलग है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल सा आप क्या करो, आपके पास में देखो, अगर आप सच में अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके पास में एक डायरी होना चाहिए, उसमें क्या, उसमें आप लिखो कुछ भी चीजों को, क्या करना है आपको, लिखना है कुछ भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कि आपका हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का तरीका क्या होगा, और जब भी आपको हेड एंड शोल्डर दिखे आप नोट खोलो कि कहां आपने स्ट्रेटजी लिखा था, और फिर मैच करो क्या सब कुछ मैच हो रहा है, अगर सब कुछ मैच हो रहा है तब ट्रेड लो, नहीं तो नहीं लो ट्रेड, क्या नहीं तो छोड़ दो ट्रेड, ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रेटजी बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से क्या स्ट्रेटजी बनाया जाता है, ठीक है, अब बनाने में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत और मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है, मान लो कि आपको स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है, मैंने बता दिया कि स्ट्रेटजी काम कैसे करता है, बहुत सारे आपका खुद का 4-5 स्ट्रेटजी हो सकता है, ठीक है, पर हमेशा ट्राई करना किसी दूसरे का स्ट्रेटजी न कॉपी करके खुद का स्ट्रेटजी बनाने का, बहुत फायदा देगा। अब बनाओगे कैसे, उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल क्या करो, मैंने सोच लिया मुझे हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करना है, पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हेड एंड शोल्डर का YouTube पे जाऊंगा, वीडियो देखूंगा, ठीक है, एक बार मेरा भी वीडियो देख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे कैसे पकड़े हेड एंड शोल्डर को, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जाऊंगा YouTube पे और मैं क्या करूंगा, अच्छे अच्छे जो वीडियो मुझे समझ में आते हैं, ठीक है, मैं 4-5 देखूंगा और 4-5 देख करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालूंगा। क्या बोला मैं, देखो गाइस फ्री में मिल रहा है YouTube पे, ठीक है, तो यार थोड़े बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तो ऐसे YouTube पे लोग हैं ना जो बहुत कम कंटेंट देते हैं, ठीक है, उतना में तो कुछ नहीं होगा ट्रेडिंग में, ठीक है, शायद कोई नहीं है जो पीछे का साइकोलॉजी और डेप्थ सब कुछ बताते हैं, तो जब आप 4-5 वीडियो देख लोगे ना डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स का जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, फिर क्या आप एक बहुत अच्छे कुछ कुछ नॉलेज के साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, आप वो चीज को क्या करो कॉपी में लिख लो हेड एंड शोल्डर, ठीक है, आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा लगता है तो वॉल्यूम का भी उसी तरह 4-5 वीडियो देख लो, ठीक है, अच्छे तरीके से वॉल्यूम को मेन पॉइंट लिख लो, ओके, आपको मान लो RSI बहुत अच्छा, RSI को भी देखो, उसका मेन पॉइंट लिखो, ठीक है, मे भी आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा लगे, सॉरी MACD बहुत अच्छा लगे, MACD का भी पॉइंट लिख लो, नोट कर लो, वीडियो अच्छा से देख करके या नेट पे पढ़ लो, ठीक है, जहां से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो ट्राई करो इकट्ठा करने का और लिख करके, बट हाँ हमेशा याद रखना कॉपी में लिखना, क्यों, अब मैं बताता हूँ, कॉपी में आपने लिख लिया, अब आपको समझना है कि क्या मुझे
हेड एंड शोल्डर जब बनेगा, तब मुझे कौन सा, तब मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा काम करेगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? या मेरे लिए कैंडलस्टिक्स, कौन सा कैंडलस्टिक्स, क्या पिनबार बहुत अच्छा काम करता है, क्या इनगल्फिंग कैंडल बहुत अच्छा काम करता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपली क्या करो, मार्केट में जाओ, ठीक है, मार्केट में जाओ और फिर क्या करो, देखो। मार्केट में जा करके फिर क्या करना है आपको, देखना है, ठीक है, क्या देखना है वो बताता हूं। देखो देखो गाइस, अभी क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास में क्या एक हेड एंड शोल्डर है, शोल्डर, हेड, शोल्डर, मार्केट बूम नीचे, ठीक है, मार्केट क्या नीचे, ओके, देखो अब समझ में आ गया ये क्या हेड एंड शोल्डर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो भी इंडिकेटर के बारे में मैंने सोचा था, ठीक है, मैं RSI को लगा दूंगा, मैं MACD को लगा दूंगा, और भी जितने भी मैंने पढ़ के रखा है, जो मुझे लगता है कि ये अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो मैं लगा दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि यहां पर क्या वॉल्यूम में क्या हो रहा है, क्या यहां वॉल्यूम में जो भी आपने नोट्स में लिखा है, फिर क्या आप अपना नोट्स ओपन करो, नोट्स क्या ओपन करो, और सबसे पहले वॉल्यूम से ट्राई करो, ठीक है, वॉल्यूम देखता हूं वॉल्यूम ने यहां पर क्या चेंजिंग किया, कहां पे, यहां पे, ठीक है, यहां पे वॉल्यूम ने क्या चेंजिंग किया ये मैं देखूंगा, ठीक है, या यहां पे क्या चेंजिंग किया, मतलब इंपॉर्टेंट स्विंग्स पे क्या चेंजिंग किया वो मैं देखूंगा, ठीक है, ओके, देखूंगा, तो देखूंगा काम कर रहा है जो आपने नोट्स में लिखा, क्या वो वहां काम कर रहा है, हाँ यार काम कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बहुत अच्छा है। फिर मैं खोलूंगा RSI को, देखूंगा RSI में मैंने लिखा था डाइवर्जेंस होना चाहिए तो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा मैंने वीडियो में देखा था। अब मैं यहाँ पर ढूंढूंगा डाइवर्जेंस क्या मुझे दिख रहा है मार्केट ब्रेक करने से पहले, ठीक है, मार्केट ब्रेक करने से पहले मैं डाइवर्जेंस ढूंढूंगा, हाँ यार डाइवर्जेंस तो है, ठीक है, यहाँ पर क्या डाइवर्जेंस तो है, अरे यार बहुत अच्छा सही है। अब मैं मैकडी को ओपन करूंगा, मैकडी को फिर देखूंगा क्या मैकडी अच्छा काम कर, फिर देखूंगा नहीं यार मैकडी तो यहाँ काम नहीं कर रहा, ठीक है, ओ मैकडी यहाँ काम नहीं कर रहा, ठीक है चलो मैकडी काम नहीं किया। मेरे दिमाग में क्या गया कि वॉल्यूम और ये RSI बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से मैं मार्केट में मैं 10, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा जितना करोगे उतना फायदा आपको, ठीक है, कम से कम 10 हेड एंड शोल्डर ढूंढूंगा, ठीक है, और देखूंगा कौन सा इंडिकेटर बहुत अच्छा इसके साथ काम करता है, जो मैंने पढ़ा है कौन सा इंडिकेटर इसके साथ बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, जब मैं ये चीज देख लूंगा ना, ठीक है, तो मेरे दिमाग, मेरे पास में लास्ट में कंक्लूजन क्या आएगा कि RSI हो गया, वॉल्यूम बहुत अच्छा मैच करते हैं इसके साथ। अब ये सच में मत ले लेना मैच करते हैं, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा मैच करते हैं, ठीक है, अरे यार ये सही है यार, अब मैं इसी को देख करके ट्रेड लूंगा। ये बन गया आपका स्ट्रेटजी कि RSI में जब मुझे डाइवर्जेंस मिलेगा ये स्विंग पे और ये स्विंग का, देखो ये स्विंग और ये स्विंग पे, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग का डाइवर्जेंस जब मुझे मिलेगा, ठीक है, तब मैं ट्रेड लूंगा। जब इस तरह का चीजें जब आपके दिमाग में आ जाएंगे ना, जब आप बना लोगे स्ट्रेटजी कि वो ऐसा रहेगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। तो जब कभी भी नेक्स्ट टाइम में आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगा तो कॉपी खोलो और आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया था प्रैक्टिस करके, बैकटेस्ट करके, इसे ही बैकटेस्ट कहते हैं, ठीक है, ढूंढो, देखो सब कुछ मैच कर रहा है, तब ट्रेड लोगे, कंफर्म देखना आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, आपका ट्रेड में बहुत हेल्प होगा, ठीक है, पैसे बना पाओगे। तो ये तरीका होता है स्ट्रेटजी बनाने का। इसी तरीके से आपको डबल बॉटम, डबल टॉप और फिर नॉर्मल जितने भी पैटर्न ट्रेडिंग है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग है, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिंग है, ठीक है, सारे में काम करेगा, इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाया जाता है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, प्लानिंग होता है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड प्लानिंग है। मतलब देखो स्ट्रेटजी बन जाने के बाद में क्या होता है, सुन बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में प्लानिंग बन गया, मुझे ये चीज दिखेगा, मुझे डाइवर्जेंस दिखेगा RSI में, मुझे स्पाइक दिखेगा वॉल्यूम में, ठीक है, और मुझे क्या कहते हैं कैंडलस्टिक्स, बियरिश कैंडलस्टिक्स मिलेगा या रिटेस्ट करेगा, तब मैं एंट्री लूंगा। मेरे दिमाग, मेरे कॉपी मैंने लिख दिया है हेड एंड शोल्डर को लेकर के, जब मुझे हेड एंड शोल्डर दिखेगा मैं मैच करूंगा, मैच किया ट्रेड लूंगा, नहीं मैच किया ट्रेड नहीं लूंगा, बात खत्म। यही होता है स्ट्रेटजी और कुछ नहीं होता, ठीक है। प्री डिफाइन प्लानिंग को ही स्ट्रेटजी कहते हैं यार, तरीका ट्रेड लेने का, जो तरीका हम लोग जो प्लान करते हैं उसे ही स्ट्रेटजी कहते हैं और कुछ नहीं है स्ट्रेटजी। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा और कैसे इसे बनाना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर सच में अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे समझ में आया है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और एक प्यारा सा यार कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।